क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, जिसमें दिया है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 एंड 15 डेज। मतलब ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब अपन को निकालना है इनका एलसीएम और टोटल वर्क, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे या फिर। ठीक है, तो ये होता है 3 3 जै 9 और 5 3 जै 15। ठीक है, 3 3 जै 9 और 5 3 जै 15, तो ये हो गया 9, यहाँ से बचा 5, यहाँ से 5, यहाँ से बचा 3। अब अपन को क्वेश्चन में दिया है इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटर विद बिगनिंग ए, मतलब ए काम की शुरुआत करता है वो अल्टरनेट करते हैं, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो टोटल वर्क देख लेते हैं यहाँ से 5 3 जै 15 और 45 काम है। ठीक है, अब ये काम करना है उनको 8 की एफिशिएंसी से पहले 2 दिन में, ये 2 दिन में 8, क्योंकि पहले देखो 5 काम किया ए ने, फिर उसके बाद 3 काम करेगा बी, ये 2 दिन का काम होगा। इसी पेयर से वो कर सकते हैं कितने दिन तक, 5 दिन तक काम, क्योंकि कितना काम हो जाएगा 5 दिन में, 5 दिन हो जाएगा 40 काम। ठीक है, बचेगा कितना काम, 5 काम, जो कौन कर देगा ए, क्योंकि ये तो लास्ट में बी ने किया, उसके बाद आएगा ए, ये 5 काम को एक ही दिन में कर सकता है, मतलब 5 दूनी 10 दिन ये हो गए, 11वें दिन इसने कंप्लीट काम कर लिया, तो उनको टोटल टाइम कितना लगा, 11 दिन। ठीक है,